आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। 21 दिसंबर को दहेज एवं बाल विवाह प्रथा के रोकथाम हेतु विशाल मानव श्रृंखला तैयारियों के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी विभागीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा। पोलो मैदान में बनेगा प्रेक्षा गृह, धरना स्थल अन्यत्र होगा स्थानांतरित। मद्देनजर अपर समाहर्ता ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। और मिसरटोला स्थित मकान में ताला तोड़कर चोरी, थाना में मामला दर्ज। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर। अंजनी कुमार सिंह ने जिला अधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा की। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित दायर मामलों में तय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करवाने का निर्देश भी दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा की। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित दायर मामलों में तय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करवाने का निर्देश दिया। विभिन्न पेंशन से संबंधित मामलों का अनुश्रवण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुरूप करने का भी निर्देश दिया गया। इस क्रम में मुख्य सचिव ने 21 जनवरी 2018 को दहेज प्रथा एवं बाल विवाह प्रथा के रोकथाम हेतु विशाल मानव श्रृंखला बनाए जाने हेतु आवश्यक तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश दिया। विशाल मानव श्रृंखला की तैयारियों की समीक्षा जल्द ही अलग से करने की भी जानकारी दी गई। मुख्य सचिव अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत जिला को उपलब्ध कराई गई राशि को वितरित करने का निर्देश दिया गया। मंदिर चार दीवारी योजना के तहत जिलों में उपलब्ध कराई गई राशि को भी व्यय करने का निर्देश दिया गया। प्रखंडों एवं अनुमंडल कार्यालयों में अवस्थित आरटीपीएस काउंटर की मरम्मति, रंग रोगन, दीवार लेखन, आगंतुकों को बैठने हेतु शेड निर्माण एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। आरटीपीएस काउंटरों से तैयार प्रमाण पत्रों को आरटीपीएस काउंटर से भी पंजी संधारण कर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। दाखिल खारिज एवं भू स्वामित्व के कागजातों को ऑनलाइन अपलोड किए जाने की स्थिति की भी समीक्षा की गई और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। पंचायती राज भवनों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई, जहाँ अभी तक पंचायत राज भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, वहां भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। तैयार हो गए पंचायती राज भवनों से कार्य प्रारंभ करवाने हेतु सभी आवश्यक तैयारी करवाने के लिए कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ अपर समाहर्ता मोहम्मद मोवीन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर सुधांशु शेखर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। मैदान में बनेगा दरभंगा का प्रेक्षागृह, फील्ड में इससे धरना स्थल को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की बैठक अपर समाहर्ता मोहम्मद मोवीन अंसारी की अध्यक्षता में हुई। पोलो मैदान में बनेगा दरभंगा का प्रेक्षागृह, धरना स्थल हो जाएगा कहीं और स्थानांतरित, जिसके मद्देनजर भिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपर समाहर्ता मोहम्मद मोवीन अली अंसारी ने बैठक की।
में चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी कर ली। इस संबंध में थाना में मामला दर्ज किया। नगर थाना क्षेत्र के मिस्टर टोला दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित प्रकाश झा के मकान में चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी कर ली। इस संबंध में थाना में मामला दर्ज करवाया जा चुका है। 27 नवंबर के दिन प्रकाश झा अपने परिवार के साथ पैतृक गांव मणिगाछी श्राद्ध कर्म में गए हुए थे और इसी बीच उनके मिस्टर टोला स्थित आवास पर कोई नहीं था और चोरों ने चोरी कर ली। इसी दौरान उनके घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। कि ये लॉकर तोड़ा है, जिस डिब्बे में पैसा था ये निकाल लिया है। लैपटॉप ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं लिया। ये हार्ड डिस्क अभी मंगवाए, 4-4 हज़ार के वो हार्ड डिस्क, एक भी सामान नहीं उठाया, सब बैग सब वैसे वैसे रखा हुआ। कोई हमको फोन किया, भाई आपका ऊपर का दरवाजा टूटा हुआ है, तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, संदेह है, आप किसी आदमी को भेजिए या फिर आके देखिए। तो जब हम लोग वहाँ आए तो हमारे जो मित्र थे यहाँ पे आ चुके थे, तो दरवाजा जब खुले हैं तो देखते हैं सारा सामान ले गया है, मतलब जितना गहना था और पैसा दो ही चीज लिया। कितने के लायक? वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बेला पोहाती में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार हेतु तो कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी ने फीता काटकर किया। घनश्यामपुर बेला पोहाती में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत रोजगार हेतु तो कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन बिरौल अनुमंडला अधिकारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर निदेशक सैयद रजा अली उमर सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अनुमंडलाधिकारी मोहम्मद शफीक साहब और ये
गांव के लिए या पूरे प्रखंड के लिए, घनश्यामपुर प्रखंड के लिए एक अच्छी उपलब्धि है जो यहाँ ये सेंटर खुला है। और ये ऐसे जगह पर ये सेंटर है जहाँ से आसपास के सभी गांव कनेक्ट हैं, लोगों का आना जाना सुदूर क्षेत्र से भी आसान है। और यहाँ के बच्चे जो बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर के जानकारी के अभाव में अपना आपको आगे नहीं डेवलप कर पाते थे, बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की संभावना है, इससे वो अगर चाहें तो इस कोर्स का लाभ उठाकर निःशुल्क लाभ उठाएं और इस कोर्स के लिए और आगे अपना भविष्य को बेहतर से बेहतर उज्ज्वल बनाएं। इसी के साथ हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। शहादत दिवस पर संकल्प सभा व निर्मल सिंह की प्रतिमा का अनावरण डीएमसीएच के सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएनपी यादव, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से किया पंडा सराय कार्यालय। भाकपा माले के पूर्व महासचिव सुव्रत दत्त जौहर, डीएमसीएच के पूर्व छात्र डॉक्टर निर्मल और रतन की 42वीं शहादत दिवस पर संकल्प सभा व निर्मल सिंह की प्रतिमा का अनावरण डीएमसीएच के सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएनपी यादव, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। के द्वारा इसे हटवाने के लिए हाईकोर्ट तक लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट तक गया और उन लोगों ने हटाया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, जनता के दिल में निर्मल जी बसे हुए हैं और ये दरभंगा की धरती पर ही इनकी मूर्ति का फिर स्थापना होगी। उसी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोगों ने निर्मल जी का जो है मूर्ति का स्थापना यहाँ पर किए हैं पार्टी ऑफिस में, यहाँ माले के पार्टी ऑफिस में। इसके पीछे ये कहना है, निर्मल जी उस समय में 1973 ईस्वी में पढ़ाई छोड़ करके और जनता की लड़ाई में भोजपुर चले गए और जनता की लड़ाई के साथ वो शहीद हो गए। ये सोचना होगा हम डॉक्टरों को कि एक डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है और उसका जो अथी है, आजकल के जो लोग हैं डॉक्टर में जाना अधिक चाहते हैं, वो उस पर को छोड़ करके और जनता के साथ जुड़ करके जनता के जो सुख दुख रह करके और वहाँ उनकी जो कष्ट जो झेलते हैं जनता, उसको उन्होंने देखा और कुछ सामंतों के खिलाफ उन्होंने लड़ करके वो शहीद हो गए। इसलिए हम लोगों को भी आज जो फांसीवादी शक्तियाँ देश में फिर जो है आँख उठा कर लोगों के पास देख रहे हैं, आप जानते ही होंगे अभी पूरे देश में एक तरह का एक घोषित जो है वो एक इमरजेंसी की तरह है। लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और मोदी आज पूरे देश के अंदर एक इस तरह का तानाशाह के रूप में जो है आ रहा है। इसलिए जनता को सचेत होने की ज़रूरत है। इस अवसर पर मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप सचेत हों और इनको 1919 किए हैं, इनका अनावरण कमरेड बीएनपी यादव ने किया है। इसलिए जनता की इच्छा के अनुरूप हमने कमरेड निर्मल को अपने पार्टी कार्यालय में स्थापित किया है और जब तक यह कार्यालय रहेगा, जब तक देश में आंदोलन रहेगा, दरभंगा में आंदोलन रहेगा, ये दरभंगा की जनता को, बिहार की जनता को प्रेरित करते रहेंगे आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए, आदर्श। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। सपापुर डांस चैंपियनशिप के मद्देनजर आरडीएक्स डांस एकेडमी बेता में ऑडिशन शो का आयोजन। मुजफ्फरपुर डांस चैंपियनशिप के मद्देनजर आरडीएक्स डांस एकेडमी बेता में ऑडिशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से विभिन्न डांस प्रेमियों ने हिस्सा लिया और अपना जौहर दिखाया। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम में जो चयनित प्रतिभागी होंगे वह हिस्सा ले सकेंगे।
ऑडिशन चल रहा है, ऑडिशन लिया जा रहा है बच्चे लोग को। बच्चे लोग यहाँ पे बाहर दूर दूर से आए हुए हैं ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन देने के बाद यहाँ से इसका फाइनल होगा आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आपका फाइनल है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से चल रहे निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का समापन हो गया। 40 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। ट्रेनिंग जो दिया गया इन लोगों को, किस तरह का ट्रेनिंग दिया गया? डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन कामिश्री प्रिया पुअर होम के सहयोग से कामिश्री प्रिया पुअर होम में पिछले 2 महीनों से सिलाई कटाई बुनाई ट्रेनिंग सेंटर का एक बैच चल रहा है। ये बता दें कि आपको विगत 2 महीना पहले ही ये केंद्र खुला है, जिसमें सिलाई कटाई बुनाई की का प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी प्रशिक्षिका राधा देवी हैं जो पहला बैच पढ़ाई है 40 बच्चियों और महिलाओं का, जो जिसने कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है इनसे, कतरनों से पेटीकोट ब्लाउज ये डिफरेंट टाइप का फ्रॉक ये सब सिलना सीख गई हैं। इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें एक रिंकी देवी करके एक महिला हैं, पिंकी देवी, उनको वो डीप एंड डम है, फिर भी बावजूद इसके वो पूरा बढ़िया से अपना ये कोर्स पूरा की हैं, सीखी हैं, वो एक कुशल कारीगर बन सकती हैं वो। सरफराज आलम, BTN न्यूज। गीता प्रचार समिति द्वारा आयोजित 26वां गीता जयंती समारोह का शुभारंभ राधा कृष्ण मंदिर मिर्जापुर गौशाला प्रांगण में हुआ। भागवत गीता प्रचार समिति द्वारा आयोजित 26वां गीता जयंती समारोह का शुभारंभ राधा मंदिर मिर्जापुर गौशाला प्रांगण में हुआ। सरफराज आलम, BTN न्यूज। समिति जो है उसकी ओर से चल रहा है, 26वां साल है, चल रहा है। विश्व के कल्याण हो, सदमन हो है और सद्भावना हो, ज्ञान हो। 3 दिन होता है, अंतिम दिन आज से प्रारंभ हुआ है। आज पूजा होगा, कलश स्थापना हुआ है, कल जो भी पूजा होगा कलश का पूजा होगा। पुलिस लाइन में आवासीय हनुमान मंदिर में चल रहे राम कथा का हवन के साथ समापन।
लहरिया सराय पुलिस लाइन में अवस्थित हनुमान मंदिर में चल रहे राम कथा का हवन के साथ समापन हो गया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार, बिदलने आपसे इससे पूर्व सुर्खियों पड़े। 21 दिसंबर को दहेज एवं बाल विवाह प्रथा के रोकथाम हेतु विशाल मानव श्रृंखला तैयारियों के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी विभागीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा। पोलो मैदान में बनेगा प्रेक्षागृह, धरना स्थल अन्यत्र होगा स्थानांतरित, मद्देनजर अपर समाहर्ता ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। और मिसर टोला स्थित मकान में ताला तोड़कर चोरी, थाना में मामला दर्ज। ये थी अब तक के समाचार, विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।